जो कि दिव्यांग है, हैंडीकैप है, और लोहरदगा में एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ला रहे हैं जहां पे 150 दिव्यांगों को हम रोजगार देंगे। ये अपने आप में हिंदुस्तान में इतिहास होगा। मगर मैम, क्योंकि भरी महफिल है, तमाम हाजरीन महफिल बैठे हैं, हमारी एक गुजारिश है आपसे और आपकी पूरी टीम से, जितने भी आपके पार्केस बन रहे हैं मैम, आपकी जितनी पार्केस बन रही हैं, किसी में छोटे लैंड्स नहीं है, ऐसे साइज के लिए कहीं पे भी छोटा लैंड नहीं है। फॉर दिस आई हैव गिवन यू अ लेटर आल्सो। Tricky issue, let me talk to GRA team and we'll sort it out separately. Okay. क्योंकि इसको कैसे करेंगे, because if we open कि sublease GRA में allowed हो जाएगा, तब तो you will understand the kind of लोग जो आज है हमारे बीच में वो हैं जिन्होंने ऑलरेडी झारखंड में निवेश किया हुआ है। तो कई पुरानी पॉलिसीज को लेकर के जो लोग बता रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के इशू है, तो मैंने जैसा बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 निर्देश हैं उद्योग विभाग को इस साल, कि हम लोगों को इस साल जो सरकार का दूसरा वर्ष गांठ जब तक आएगा तब तक पहला कि जो रिवाइवल ऑफ सिक्किम, तो हमारी 600 से ज़्यादा यूनिट्स ऐसी हैं जो कि बंद हो गई हैं, उनको कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं, क्या सरकार उनके लिए बेहतर कर सकती है, क्योंकि वो नए निवेश से भी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि जो पुराने निवेश हैं उनका एक तरह से रिवाइवल हो सके। दूसरा, एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाते थे हम लोग, 90 से ज़्यादा कंप्लायंस बर्डन्स को इस साल 31 मार्च यानी अगले 15 दिन के अंदर रिड्यूस कर देंगे अलग 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 विभागों के एक्ट्स के अंतर्गत, ताकि लोगों को जो कह रहे लाइसेंस राज इंस्पेक्टर राज कितनी जगह जाना पड़ता है, तो कई चीज़ें ऑटोमेटिक अप्रूवल और ऑटोमेटिक रिन्यूअल पे जा सके। और तीसरा, कि जो हमारे भी बता रहे हैं कि पॉलिसी में एम्बिग्विटी कम हो, पॉलिसी में जो चीज़ें एक बार लिख दी गई उसको हम लोग स्ट्रिक्टली दूसरे विभागों से भी इम्प्लीमेंट करा सकें, तो निश्चित रूप से CM सर का, क्योंकि खुद इसमें ज़्यादा इतना ज़्यादा वो इसको पर्सनली डिटेलिंग में देख रहे हैं, तो आई एम श्योर कि उस तरह के इश्यूज इस पॉलिसी में नहीं। मैडम, ये जो बातें आ रही है कि पॉलिसी जो बनती है पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के हम लोग जो GOs निकालेंगे, पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाता है, जिसमें आप बताते हैं कि ये हमारा इंटेंशन किस तरह से करना चाहते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकलते हैं जिसमें उसके ऑपरेशनल गाइडलाइंस किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम लोग निश्चित रूप से इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए पॉलिसी में कह देंगे, जो हम लोगों को इम्प्लीमेंट कराना है उसको हम लोग सकते हैं, और लोगों के लिए और उद्योगपतियों के लिए एक सहूलियत का उसको जैसे कुछ चित्र करने किसी की क्या आवश्यकता है, तो जितने भी बहुत ज़्यादा इस तरह का है जो बहुत ज़्यादा सिस्टम्स बने हुए हैं उसको क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक अप्रूवल्स हो जाए, लोगों को कम जगह दौड़ना पड़े, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो, उस सहूलियत का भी निश्चित रूप से। अगर इंटेंस जो आपका इंटेंशन है वो सही है तो क्यों नहीं हो पाएगा। ये एक अप्रिशिएबल अवार्ड है जो राज्य सरकार द्वारा जो ये मीट ऑर्गेनाइज की गई है, बट बहुत सारी पॉलिसीज बनी और हमने बहुत सारे एमओयूज किए लाखों करोड़ के, बट वो इम्प्लीमेंटेशन टाइम बाउंड हो, सही इंटेंशन से हो, जो सिंगल विंडो सिस्टम है, क्लियरेंसेंस है, वो टाइम बाउंड हो, और जो लोकल उद्यमी है यहाँ जो पहले से उद्योग चला रहे हैं उनकी क्या समस्या है उसको लेके सरकार अगर बहुत आई फील की सीरियस है तभी ये पॉलिसी सक्सेस होगी। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर जो लाइसेंसिंग है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, तो उसमें कहीं भी लोकल लेवल समीज को वोट करने का या अपनी राय देने का अधिकार नहीं, तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया से हो और टाइम बाउंड तरीके से हो, क्यों नहीं, ये कारगर पहल साबित होगा। झारखंड सरकार के उद्योग विभाग द्वारा एक इन्वेस्टर्स मीट कम और ड्राफ्ट पॉलिसी पर जो आज की बैठक रखी गई है, उसमें राज्य के सभी उद्यमी प्रतिनिधि और प्रमुख उद्यमी उपस्थित हुए हैं, और सभी उद्यमियों की ओर से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि वर्तमान झारखंड सरकार की एक अच्छी पहल है जो उद्योग नीति बनाने के पहले ही स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श करके उनका विचार जान रही है, उनका सुझाव ले रही है, और हम सब अपने सुझाव से झारखंड सरकार को उद्योग नीति बनाने में मदद कर रहे हैं। सबसे प्रमुखता से हम लोगों ने जो अपनी बात रखी कि कोई भी जो उद्योग नीति पहले भी
बनता था, परंतु उद्योग नीति के इम्प्लीमेंटेशन का जहां प्रश्न आता है तो पिछले 20 वर्षों में ऐसा देखा गया है कि उद्योग नीति का इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी आई है। और यही कारण है कि कई सरकारों द्वारा 3 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ रेवेन्यूज किए गए, परंतु उद्यमी जमीन पर उद्योग झारखंड में नहीं लगा सके। उसके कारण क्या है? तो हम सबों का मानना है कि उद्योग नीति जरूर बने, हम सब उन्हें सुझाव भी स्पेसिफिक दिए हैं, परंतु मुख्य रूप से हम ये कहना चाहते हैं, झारखंड सरकार को सुझाव देना चाहते हैं कि उद्योग नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी इंश्योर होना चाहिए। जो प्रमुख बातें हमने सुझाव में अपने कहा है वो ये है कि झारखंड में पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया जाए, हर जिले में विद्युत सप्लाई के लिए मल्टीपल एजेंसी का व्यवस्था किया जाए, नए नए पढ़े लिखे लोगों को उद्यमी बनने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाए जिससे कि झारखंड के उद्यमी झारखंड में उद्योग लगा सके और वो एम्प्लॉयमेंट मांगने से बेहतर हो तो वो खुद अब दूसरों को रोजगार देने के लायक बन सके। ये सारी मांगें हम लोगों ने अपनी उद्योग नीति में इनकॉर्पोरेट करने के लिए रखी है। साथ साथ हमने ये भी कहा है कि उद्योग नीति के साथ साथ परचेज पॉलिसी भी बनाई जानी चाहिए जिससे कि राज्य में किए जाने वाले सरकारी विभागों द्वारा जो खरीद है उसमें स्थानीय लघु उद्योगों को के प्रोडक्ट्स को स्थान मिले। और इन सारे चीज़ों के आधार पर हम सब आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में अगर इस उद्योग नीति का इम्प्लीमेंटेशन सही हुआ तो राज्य में उद्योगों का विकास भी अच्छा होगा और साथ साथ यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी अच्छा बनेगा। परिचय दे दीजिए क्या बनेगा? मेरा नाम अशोक चौधरी है, मैं उद्यमी हूँ जमशेदपुर से। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।